पिछले दो दिनों से लगातार आपके बीच में कार्यक्रम कर रहे हैं और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे, क्योंकि आप सब बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चों को हमने आज इसीलिए नहीं बुलाया कि वो इन बातों को थोड़ा कम समझते हैं, लेकिन आप सब उन बातों को समझिए और विचार कीजिए। हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है और आपके लिए भी ये गर्व की बात है कि हमारे बीच में इस प्रदेश के, मैं क्या कहूँगा, प्रदेश के नहीं, देश के जो प्रमुख विद्वान हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, वो आज हमारे बीच में हैं। तो मैं उन सबों को आमंत्रित करता हूँ। मैं सर्वप्रथम श्री नरेंद्र, श्री लोकेश कुमार जी सिंह साहिल साहब से निवेदन करूँगा कि वो मंच पर पधारे। मित्रों, लोकेश कुमार सिंह साहिल इस देश के जाने माने शायर हैं, कवि हैं, प्रतिशील लेखक हैं और निरंतर ये लिखते रहते हैं, अपने विचार प्रकट करते रहते हैं, बहुत अच्छे विचारक हैं और बहुत अच्छा संभाषण विषय के ऊपर करते हैं। मैं आदरणीय श्री नरेंद्र शर्मा कुसुम जी से निवेदन करूंगा कि आए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए। डॉक्टर साहब को आप सब लोग जानते हैं, आपके बीच में निरंतर आते रहते हैं, इतनी उम्र है लेकिन इसके बावजूद किस कदर ये आपके बीच में आके बात करते हैं। आदरणीय नरेंद्र शर्मा कुसुम जी, उनसे निवेदन है, वो बिराजे, लोकेश भाई साहब से निवेदन है, वो बिराजे। इसके अलावा हमारे बीच में आज एक और हस्ती है जो आकाशवाणी या एफएम अगर आप सुनते रहे हो तो वहाँ पे आज जो 101.3 जो एफएम है उसके ऊपर पहली बार यहाँ पे रेडियो पर एफएम शुरू करने वाली श्रीमती सुषमा शर्मा जी हमारे बीच में हैं। बहुत मधुर आवाज की रही है और आवाज के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, वो उनसे हमने आग्रह किया। हमारे बीच में कल भी जो थे और आज भी हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार श्री पुरुषोत्तम सैनी साहब आपसे, और अब मैं किशन जी मित्तल से जो हमारे स्वागताध्यक्ष हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप सबका बाजार पर स्वागत करें। श्रीमती सुषमा शर्मा और श्री पुरुषोत्तम सैनी जी, और मैं आपके निदेशक माननीय श्री किशन मित्तल जी से निवेदन करूंगा जो इस समारोह के स्वागताध्यक्ष हैं कि आप आए, दो शब्द कहें और उसके बाद में हम अपने विद्वानों के विचार सुनेंगे। आज का ये हमारा 3 दिवसीय पुलिस मीडिया थिएटर की तरफ से जो कार्यक्रम हो रहा है, आजादी के जो हमारे सेनानी थे और जो विलुप्त हो चुके उनके ऊपर जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, इस आज के द्वितीय सत्र के अंदर हमारे बीच में जो अध्यक्षता कर रहे हैं समारोह के डॉक्टर नरेंद्र जी शर्मा कुसुम, जो कल भी हमारे बीच में थे, और इस विद्यालय से आपका विशेष रूप से और स्नेह और आशीर्वाद रहता है कि आज इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप राष्ट्रीय कवि हैं, साहित्यकार हैं,
हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी तीनों विषयों के महान ज्ञाता हैं, जो आज हमारे बीच में हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में जो हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं श्री लोकेश जी साहिल, इनसे राही साहब का और मेरा बहुत पुराना संबंध है। राष्ट्रीय कवि हैं, शायर हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। आज हमारे इस समारोह में अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में श्री सुषमा जी, आजकल आप FM के अंदर देखते होंगे, जिनकी वाणी बहुत मधुर है और जो FM के अंदर जो गीत माला है, उसके अंदर जो समाचार हैं, उसके अंदर जो सब हैं, ठीक है, उसको और वो प्रसारित करती हैं और उसका निर्देशन करती हैं, वे भी हमारे अशोक जी राही साहब से बहुत समय से जुड़ी हुई हैं। उनके सभी कार्यक्रमों के अंदर और वो आती हैं कि इस अवसर पर हमारे विद्यालय के अंदर इस प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और श्री पुरुषोत्तम जी जो इस कार्यक्रम के निर्देशक हैं, संयोजक हैं, अशोक राय जी के साथ में हैं, वे आज इस अवसर पर इस मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और आज के जो मुख्य कार्यक्रम है उसके लिए मैं अशोक राय जी निवेदन करूँगा के लिए इस कार्यक्रम में। बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तकों को भी बहुत सारे कवियों को पढ़ते हैं, साहित्यकारों को पढ़ते हैं, कहानीकारों को पढ़ते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की, मैथिली शरणगुप्त की, बहुत सारे कवियों की कविताएं, कहानियां, साहित्य आपके कोर्स में चलते हैं और शुरू छठी क्लास से ही शुरू हो जाते हैं वो, और जब तक आप MA करते हैं और बड़ी शिक्षा प्राप्त करते हैं तब तक चलते रहते हैं। लेकिन हमारे देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भी साहित्य की और कवियों ने कितनी बड़ी एक भूमिका अदा की, हम सोचते हैं कि ये जो कविता है, कहानी है, ये क्या करती है, इनको पढ़ के आनंद ले लीजिए, आनंद तो हम लेते ही हैं, लेकिन ये कैसे समाज में परिवर्तन करती हैं, आदमी का दिल बदलती हैं, एक बच्चे को अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। इस विषय पर और भी स्वतंत्रता आंदोलन के में कवियों ने कैसे कैसे प्रश्न उठाए, कैसे कैसे क्या रचनाएं की जो आज तक प्रसिद्ध है, झांसी की रानी की रचना तो आप जानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी की रानी की वो एक कविता उनके जीवन का वर्णन ही नहीं है, बल्कि उसको उस कविता को पढ़कर आज भी हमारे मन में उत्साह उमंग आ जाती है। तो मैं आदरणीय श्री लोकेश कुमार जी सिंह जी साहिल साहब से निवेदन करूँगा। दोस्तों, लोकेश कुमार सिंह जी साहिल को मैं निरंतर पढ़ता रहता हूँ, आप निरंतर कविताएं लिखते हैं और कविताओं का व्यापक जो आजकल के साधन हैं उनके माध्यम से उनको प्रसारित भी करते रहते हैं। तो मैं आदरणीय भाई साहब श्री लोकेश कुमार जी की साहिल से निवेदन करूँगा कि वे आए और आपको संबोधित करें। जयपुर और राजस्थान में जितने भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, मेरे समकालीन, मेरे अग्रज, मेरे अनुज, उन तमाम लोगों में जो मेरा लिखित रिश्ता कुसुम जी से है वो किसी और से नहीं है। मेरा इनका एक ऐसा प्रगाढ़ और घनिष्ठ रिश्ता है, मैं जब भी इनसे मिलता हूँ मुझे वो पुरानी चीज़ें सब याद आती हैं, तो बहुत अच्छा मुझे लगता है। अभी थोड़े दिन पहले भी एक कार्यक्रम में हम लोग साथ थे, आज फिर उनका साथ हमें मिल रहा है, ये हम सब के लिए गौरव की और गर्व की बात है। सुषमा को भी बहुत पहले से जानता हूँ,
राकेश और सुषमा ने आकाशवाणी में जो काम किया उसका सही मूल्यांकन कभी होगा तो ये याद रखा जाएगा कि पहले अपना पूरा प्रसारण और बाद में एफएम, इन दोनों ने मिलकर किस तरीके से उसको न सिर्फ बनाया बल्कि संवारा भी। आवाज़ को सुषमा की हम सुनते ही रहते हैं रेडियो पर। सुषमा ने जो काम किया है रेडियो के मार्फत, एक सरकारी सूचना और प्रसार माध्यम में काम करने की कितनी बंदिशें होती हैं, किस तरह की राजनीति वहाँ होती है, मुझे वो समय भी याद है जब सुषमा और राकेश का ट्रांसफर सवाईमाधोपुर कर दिया गया था। उसके बाद ये लोग फिर यहाँ आ गए वापस और बहुत अच्छा समय रेडियो पे बीता है हम सब लोगों का, और उस अच्छे समय को हमारे साथ बिताने में सुषमा का बड़ा योगदान है। आज बहुत दिनों बाद सुषमा को मिल रहा हूँ, अच्छा लगा सुषमा को देख करके। पुरुषोत्तम जी भी हमारे अपने हैं। किशन जी के बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूँ दोस्तों, उन्होंने खुद ही बता दिया कि मेरा उनका परिचय बहुत पुराना है। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं इस संस्थान की पहले दिन की शुरुआत की जो यात्रा है, पहली ईंट जब रखी गई थी, तब से मैं किशन जी से जुड़ा हूँ। और इस तरह के उद्यमी लोगों को जब भी मैं देखता हूँ, मुझे मेरी चार पंक्तियाँ पुरानी बहुत याद आती हैं कि हर सहरा में फूल खिलाना सबके बस की बात नहीं, इस सच्चाई को झुटलाना सबके बस की बात नहीं है कि छोटी सी कोशिश है ये, कमियाँ रह भी सकती हैं पर ऐसी कोशिश भी कर पाना सबके बस की बात। इस तरीके से इस लगन और मेहनत से किशन जी ने खड़ा किया है संस्थान को, अब तो बेटा संभाल रहा है मेरा भतीजा। बहुत अच्छा लगता है जब भी यहाँ आता हूँ मैं, मेरा अपना परिवार है ये। इस कार्यक्रम के सूत्रधार संयोजक और इस पूरी बात को एक रूपरेखा को एक शेप देने वाले मेरे अजीज अशोक राही साहब, जितने शिक्षकगण यहाँ बैठे हैं वो सब और बच्चों, ये जो आज का विषय है कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कवियों शायरों का साहित्य का योगदान, ये इतना बड़ा विषय है कि इस पर 1.5 घंटा मैं अकेला बोल सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि जहाँ बोलने की मर्यादा होती है वहाँ सुनने की भी अपनी एक मर्यादा होती है, और उस समय का उस मर्यादा का हम सभी ध्यान रखेंगे। जहाँ तक ये बात आती है कविता का योगदान स्वाधीनता आंदोलन में, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मूलतः कविता है क्या। छोटे बच्चों के तो शायद रुचि और समझ की कम होगी बात ये, लेकिन जो बाकी कुछ एडल्ट और समझदार लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहता हूँ कविता को लेकर के, जो मेरा अपना एक मत रहा है। और मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ हर मंच पे हर फोरम पे कि असहमति का अर्थ आलोचना नहीं होता और आलोचना का अर्थ शत्रुता नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे दौर में चले आए हैं जहाँ असहमत होने का अर्थ आलोचना समझ लिया गया है और आलोचना का अर्थ शत्रुता हो गया है। तो मेरी बातों से असहमत होने का आपको पूरा अधिकार है, मैं उस असहमति का ना सिर्फ सम्मान करूंगा बल्कि उसकी रक्षा भी करूंगा। कविता ने हमारे जीवन में एक ऐसा रोल प्ले किया है जिसका कोई बदल दूसरा मैं नहीं देखता। मेरा ये मानना रहा है कि दुनिया में जितनी भी ललित कलाएं हैं, फाइन आर्ट्स की जितनी भी फैकल्टी इस दुनिया में है, उन सब में जो बेस्ट फैकल्टी है वो है लिटरेचर, और लिटरेचर का जो बेस्ट पार्ट है वो है कविता। हम जिस भारतीय मनीषा मीमांसा और दर्शन की बात करते हैं वहाँ तो प्रोज को भी पोएट्री का हिस्सा माना गया है। संस्कृत में अगर आप कविता की परिभाषा ढूंढने जाएंगे तो वो कहता है कि ऐसा वो वाक्य जिससे रस की निष्पत्ति होती है वो काव्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोज भी पोएट्री का ही हिस्सा है, और हम सब जानते हैं इस बात को कि हमारे जितने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं
हमारा वेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण, भगवद्गीता, रामचरितमानस, जितने भी ग्रंथ आप उठा के देखेंगे वो पोएट्री की शेप में है। और आपको अच्छा लगेगा जान करके कि न सिर्फ रिलीजियस चीज़ें बल्कि आयुर्वेद, ज्योतिष, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो भी सब काव्य में लिखी हैं। तो कविता का हमारे समाज पे पहले दिन से बड़ा प्रभाव रहा है। अभी संभव नहीं है कि इतनी प्रभावकारी कोई चीज़ किसी बड़े आंदोलन को प्रभावित न करे। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। मैंने पहले भी एक सेमिनार में कहा था इस बात को कि जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना और उस समय के जितने बड़े लोग थे, माफ कीजिए जब मैं जिन्ना का नाम लेता हूँ तो कई लोगों को लगेगा अरे ये तो हमारे कोई शत्रु देश की बात हो रही है। ऐसा नहीं है। उस समय ना तो ये सब बात थी और ना इस तरह का कोई हिंदू मुस्लिम वाला बहुत फर्क था। आज़ादी की लड़ाई को हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ा, बराबर की शहादत दी गई है। अनफॉर्चुनेटली आज राजनीति ने, सियासत ने हमें एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, मुसलमान हमारे शत्रु प्रतीत हमें होते हैं, क्योंकि ये सब बातें पूरी तरह गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर देश की अपनी एक विदेश नीति होती है, उनकी विदेश नीति उनके मुताबिक है, हमारी विदेश नीति हमारे मुताबिक है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उस समय के आज़ादी के आंदोलन के इतने बड़े सिपाही थे, मिस्टर पटेल, सुभाष जी को, भगत सिंह को, सबको मैं याद रखूँगा। उन तमाम लोगों के भाषणों ने, एक एक करने के भाषणों ने वो काम नहीं किया जो बिस्मिल के एक मतरे ने, गजल ने कर दिया था कि सर परोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोश कितना मजबूत करते हुए। और यहाँ ये मैं एक बात बताता चलूँ कि ये रामप्रसाद बिस्मिल की कविता नहीं है। हम में से बहुत लोगों का मानना ये है कि ये रामप्रसाद बिस्मिल की कविता है। नहीं, ये बिस्मिल अजीमाबादी थे। अजीमाबाद जो है पटना से करीब 13-14 किलोमीटर पे एक कस्बा है, वो वहाँ के थे और ये पूरी रचना उनकी। रामप्रसाद बिस्मिल से इसका कोई संबंध इस कविता का नहीं है। तो 40 मिनट का भाषण वो काम नहीं कर पाया, वो जोश नहीं फूंक पाता था जो कि हमारे इस तरह के कवियों और शायरों ने फूंका। गुलाम अली की एक बहुत मशहूर गज़ल आपने सुनी होगी, गाई हुई, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद। ये गज़ल जिस शायर ने लिखी है वो हसरत मोहानी, मोहान यूपी में एक जगह है। हसरत मोहानी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जब हिंदुस्तान आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, कांग्रेस और तमाम लोग लड़ रहे थे, वो उस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इतना बड़ा शायर और इतने बड़े फिल्म मूवमेंट की पार्टी लड़ रही थी, उसका अध्यक्ष वो आदमी था, उसका सदर था। 9.5 साल जेल काटी हसरत मोहानी। और ये जो गजल है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, ये जेल में हुई रचना है। जो लोग शायरी को पसंद करते हैं, कविता को पसंद करते हैं, एक गजल, इसी गजल में एक शेर है, कुसुम जी और सुषमा जी सुनिएगा उसको, के मौलाना कहते हैं उस शेर में, देखिए, मौलाना हसरत मोहानी 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला, दाढ़ी रखने वाला, पक्का मुसलमान, वो शेर कह रहा है इस गजल में कि बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तान, वो कलाई में तेरा कंगन घुमाना याद। ये पोएट्री भी की बड़े आदमी ने। और जिस तरीके से गांधी और नेहरू, मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं 17-18 देशों में गया हूँ। एक अजीब सी बात लगेगी, हो सकता है आपको लगे कि क्या बात कर रहे हैं ये, यूरोप के बहुत सारे देशों में, लेटिन अमरीकी बहुत सारे कंट्रीज में, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में सुभाष बोस, भगत सिंह, सरदार पटेल, अम्बेडकर और ये तमाम जितने बड़े नाम हम लेते हैं बहुत आदर और श्रद्धा से, इनको कोई नहीं जानता। भारत की, भारत के बाहर पहचान जिन लोगों ने बनाई है, आपको ताज्जुब होगा, वो या तो गौतम बुद्ध हैं, या वो विवेकानंद हैं, और या फिर वो महात्मा गांधी। दुनिया में 203 मुल्क हैं दोस्तों, 203 में से 147 मुल्कों में महात्मा गांधी की प्रतिमा है। और महात्मा गांधी एक दिन भी किसी कुर्सी पर नहीं बैठे, हम सब जानते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष भी बहुत मजबूरी में बने थे, वो तो वो भी नहीं बनना चाहते। और सबसे बड़ी बात ये, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब लोग शपथ ले रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, जश्न में शामिल थे, इट वॉज नॉट इन डेली,
तो दिल्ली में नहीं थे, नोआखाली में थे। वहाँ जो दंगे भड़क रहे थे उसको बुझाने में लगे थे, वो जश्न में शामिल नहीं थे। हमारी आज़ादी के आंदोलन का सबसे बड़ा नायक आज़ादी मिलने के बाद आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं था। और हम सब लोगों ने बेन किंग्सली वाली वो फिल्म देखी है, गांधी का दर्शन क्या है, गांधी का विचार क्या है। मैं गांधी का देता रहा हूँ दोस्तों, और ये बात भी आप समझिए कि गांधी के दर्शन में मौलिक कुछ भी नहीं है। गांधी ने सत्याग्रह, अहिंसा, ये तमाम जो बातें की हैं ये सब बोरोड फलसफे हैं, ये गांधी का मौलिक दर्शन नहीं है। कोई महावीर स्वामी से लिया गया है, कोई बुद्ध से लिया गया है, कोई हमारी हिंदू सनातन परंपरा से लिया गया है, लेकिन इन तमाम चीज़ों में गांधी का नाम इस कदर लग गया है साथ में। और उसका कारण ये है कि गांधी जी ने अपने आचरण और अपनी करनी और कहनी का जो अंतर था ना, उसको न्यूनतम रखा। वो फिल्म का एक शॉट आपको याद दिला रहा हूँ, पांचवा दिन है अनशन का, बापू खाट पे लेटे हैं, कंकाल जैसी काया का बूढ़ा आदमी, पटेल और जवाहरलाल, मौलाना, तमाम लोग आते हैं खाट को घेर के बैठे हुए हैं। मेरा शॉट नहीं, आप फिल्म देखिएगा आपको याद पड़ेगा। तो सरदार हाथ पकड़ते हैं बापू का, जवाहरलाल कानों में फुसफुसाते हैं, कहते हैं बापू बापू अब तो अनशन तोड़ दी, आज देश में कहीं से कोई दंगे का कोई समाचार नहीं है। वो डेढ़ बस्ती का कंकाल, वो आदमी जो बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी कहलाता था, वो आदमी जो थ्री पीस सूट पहनता था, वो आदमी जो हैट लगाता था, वो आदमी जो सिगार पीता था, उसके ऊपर जितने निजी चारित्रिक आरोप हैं सबके सब उसने अपने किताब में स्वीकार किए खुद, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पढ़िएगा कभी। ऐसा आदमी बहुत बड़ा होता है जो अपनी तमाम कमियों को ब्लैक एंड व्हाइट में लिखते, हम लोग जरा जरा सी बातों को छुपाते हैं। वो डेढ़ बस्ती का आदमी कहता है इतना काफ़ी नहीं है जवाहर, अभी इन दोनों को गले भी मिलना पड़ेगा। ये भावना थी उस गांधी, इसलिए बड़े हो जाते हैं। और वही गांधी जब कवियों और शायरों के संपर्क में आते हैं तो उन तक ये शिकायत पहुंचा दी गई कि बच्चन जी तो शराब का प्रचार प्रसार कर रहे हैं मधुशाला के मार्फत। अब बच्चन जी ने बा को अप्रोच किया, बा ने महादेव देसाई को कहा कि इनकी मुलाकात तो कराओ बापू से। अब बच्चन जी और गांधी जी की मुलाकात, गांधी जी ने कहा मैंने सुना तुम तो बड़ा शराबर आपकी बात करते हो भाई। बच्चन जी ने कहा आप सुन लीजिए जो मैं कविता में कह रहा हूँ, अगर फिर भी आपको लगे कि मैं शराब का प्रसार कर रहा हूँ। उन्होंने मधुशाला के दो तीन जो मुक्तक थे वो सुनाए, गांधी जी बोले तो ठीक है इसमें तो सांप्रदायिक सौहार्द की बात है, इसमें तो कोई नशे की बात ही नहीं है। अब आप देखिए ये बात मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि हमारे जो नायक थे आज़ादी के आंदोलन के, आज़ादी की लड़ाई के, उनके मन में भी लिखने पढ़ने वालों का कितना सम्मान था, वो कितना आदर देते थे, कितना विचार उनसे ग्रहण करते थे, कितनी प्रेरणा उनसे पाते थे। जोश मलियाबादी की मशहूर नज़्म है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, कांग्रेस के जलसों में वो गाई जाती थी, लोग संवेद स्वर में उसका पाठ किया करते थे। जोश आता था लोगों, बड़े बड़े नेता कोट किया करते थे उस तरह की कविताओं। और फिर एक बात कहता हूँ दोस्तों, जवाहरलाल जी से लेके नरेंद्र मोदी तक हमने बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे हैं, बहुतों के बारे में पढ़ा सुना, इनको हम देख नहीं पाए, बहुतों को देखा भी पढ़ता भी। लेकिन फिर जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ कि लिखने पढ़ने वालों के, कवियों, शायरों, पत्रकारों, साहित्यकारों के जैसे नाज नखरे पंडित नेहरू ने उठाए ना, कोई दूसरा नहीं उठा। किसी वजीर आजम हिंदुस्तान ने वैसे नाज नखरे नहीं उठाए, जिस तरीके से पलकों पर रखा उन्होंने लिखने पढ़ने वाले लोगों को, वो बहुत बड़ी बात है। कविता का जो मूल योगदान है, आज हम जब वीर रस की ओज की कविताएं पढ़ते हैं या सुनते हैं मंचों से, तो थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर एक जोश आ जाता है। अगर वो ठीक ठीक मैं बयान करूं तो ऐसा लगता है बस चलो सरहद पे अभी लड़ाई चलने वाली है, लड़ाई का कंट्रीब्यूट करो चल। कविता जो है मूलतः अपने विचार को आपके जज्बात तक पहुँचाने का काम करती है। और आज़ादी का जो विचार था वो कोई एक दिन में तो बना नहीं था, 1857 से पहले से हम लोग उस फ्रीडम मूवमेंट के लिए कोशिश कर रहे थे।
हिंदुस्तान की ये 537 रियासतें आज़ाद होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन 1857 के गदर में, आपको फिर एक आंकड़ा दे रहा हूँ, आपको ताज्जुब होगा सुन के, 537 में से 418 रियासत आज़ाद हो गई थी। अंग्रेजों की गुलामी से उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन फिर जोधपुर, हैदराबाद, ग्वालियर, इन कुछ राजघरानों ने सबोटाज किया, अंग्रेजों का साथ दिया, और वो मूवमेंट हमारा जो वाजिद अली के बहादुर शाह जफर के लीडरशिप में लड़ा जा रहा था वो फेल हो गया। धीरे धीरे जो रियासत आज़ाद हो गई थी उन पर फिर दोबारा से कब्जा अंग्रेज ने कर लिया इन बड़े राजघरानों के हेल्प से, जितने राय बहादुर, खान बहादुर बड़े राजा नवाब थे ना, इन्होंने बहुत सबोटाज किया। ठीक ठीक मूल्यांकन कभी होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की तो आपने कविता सुनी होगी, खुद बड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो अगर पूरी कविता किसी को याद हो तो है सब जगह अवेलेबल, वो पढ़िएगा ग्वालियर के बारे में सुभद्रा कुमारी जी क्या लिखती हैं, ये सब उस दौर की बातें हैं। अंत में एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि कविता का मूल्यांकन और कविता का योगदान 1990-91 से पहले और 1990-91 के बाद बहुत अंतर है, उस योगदान में, उस सहकार, उस सहयोग में बहुत अंतर है। कविता भी अपने पद से भटकी है दोस्तों, कवि और शायर भी अपने रास्ते से भटके हैं, और उसका कारण ये है, मैं अक्सर अपने भाषणों में कहता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान को जब भी हम डिस्कस करें तो 90-91 से पहले का भारत, 90-91 के बाद का भारत, 90-91 आज़ाद हिंदुस्तान के नसीब में एक ऐसी डिवाइडिंग लाइन है जिस पर अक्सर हम बात करते हैं और जिसके दुष्परिणाम बड़े भयावह रूप से हम लोग देखते हैं। आप पूछेंगे 90-91 में ऐसा क्या हुआ, 90-91 में जिन नई आर्थिक नीतियों को हमने अडॉप्ट किया उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि वर्ल्ड बैंक, IMF, अमेरिका, जरा बड़े जो चौधरी कंट्री थे देश के, उन सब की बातों को हमें स्वीकार करना पड़ा, गेट की चिट्ठी साइन हुई, और अल्टीमेटली ऐसे दुष्चक्र में हम लोग फंस गए जिसका असर समाज पे बहुत था, और इस हद तक पड़ा कि पूरा समाज जो है वो एक बाजार में कन्वर्ट हुआ। और जैसा हम सब जानते हैं दोस्तों कि बाजार जो है वो सद्भाव, सहानुभूति, उदारता, सांप्रदायिक सौहार्द, दर्शन, मानवता के मूल्य, जीवन के मूल्य, इन तमाम चीज़ों की बाजार में कोई कीमत नहीं। इस भाषा को बाजार नहीं समझता, बाजार केवल एक भाषा समझता है, नफे और नुकसान की, क्या करने में फायदा है, क्या करने में नुकसान है। तो हम एक ऐसे दौर में एंटर हो चुके हैं जहाँ हर चीज़ को नफे और नुकसान से तोला जा रहा है, और ये तो संभव नहीं है कि पूरा समाज इस तरह एक दिशा में जा रहा हो। उस समय कवि और शायर वो बिल्कुल दूसरी दिशा में चले, वो कवि, वो शायर, वो लेखक, वो साहित्यकार, वो भी इसी जमीन का, इसी समाज का हिस्सा है, वो कोई चांद मंगल से उतरा हुआ प्राणी नहीं है, इसी प्लेनेट का आदमी है वो भी, ये तमाम चीज़ें उसको भी प्रभावित करती हैं। और मैं एक बात और कह दूँ जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कवियों, शायरों, लेखकों, पत्रकारों का, साहित्यकारों का, कलाकारों का वैसा सम्मान शायद संभव नहीं है। सम्मान और संरक्षण दोनों ही शब्द यूज करूँगा जो कि राजाओं और नवाबों के दौर में रहा। कलाकार को, लेखक को, कवि को, शायर को अपना पेट भी पालना है, अपना परिवार भी चलाना है, अपनी तमाम ज़रूरियात को भी पूरा करना है, और तमाम चीज़ों के बीच में रह करके अगर कोई आदमी गंभीर लेखन, कोई गंभीर कलाकर्म कर पा रहा है तो वो सलाम करने योग्य है। मैं ऐसे तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ अपना, जो ऐसे भयावह दौर में भी लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं, गंभीरता से कर रहे हैं। और वो बाजारवाद जो है, अब जब ये शब्द यूज करता हूँ बाजारवाद, फिर एक बात समझिए कि बाजार अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, बाजारवाद बुरा है। बाजारवाद का अर्थ क्या है, डिमांड को फैब्रिकेट किया जाना। हम सब लोग टेलीविज़न देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, रेडियो में तो फिर भी कुछ थोड़ी बहुत मर्यादा गरिमा अभी बची है,
टेलीविजन पे आप देखेंगे एक बड़ा स्पष्ट आंकड़ा आपको दिखेगा, बड़ी रोचक बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि टेलीविजन पे आने वाले विज्ञापनों को आप देखिए, आप गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो विज्ञापन 80% विज्ञापन उन लोगों के लिए है जो घर के अर्निंग मेंबर नहीं है। तो भले मेरी बात आप, उन लोगों के लिए है ही नहीं जो आदमी बेचारा सुबह से शाम तक खड़के कमा रहा है, वो उसके लिए नहीं, वो एक ऐसी दिशा में हमको ले जा रहे हैं बाजारवाद के नाम पे, कंज्यूमर कल्चर जिसको हम लोग कहते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति, वो आर्थिक नीतियों का परिणाम ये होना ही था दोस्तों। और ये अंतिम सुरंग में हम एंटर हो चुके हैं, इसके दूसरे मुहाने पे, सुरंग के दूसरे मुहाने पे आई डोंट नो क्या है, कोई भी नहीं उसका बयान कर सकता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता उसको। मैं सिर्फ ये कहकर के अपनी बात समाप्त करूँगा, जिस तरह का विषय, जिस तरह का कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है, इस तरह का आयोजन, इस तरह की चर्चाएं, इस तरह के विमर्श और होने चाहिए। बहुत लंबा बोलने का ना तो ये अवसर है और ना बोलना चाहिए। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनी, बहुत शुक्रिया, आदाब सलाम। दोस्तों, जैसा कि साहिल साहब ने कहा कि जो गद्य है वो भी अगर रस उत्पन्न करे तो वो काव्य हो जाता है, और निसंदेह हमारे मित्र श्री लोकेश कुमार जी साहिल को सुनना हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई कविता ही सुन रहे हैं, जबकि उसके अंदर कितना विचार, कितने महत्वपूर्ण तथ्य, कितना सत्य होता है। और अब मैं श्रीमती सुषमा जी से निवेदन करूंगा कि वो आपसे बात करें। लोकेश शर्मा साहिल जी के बाद बोलना मुझे लग रहा है शब्द कम पड़ जाएंगे। बहुत खूबसूरत बातें आपने बहुत ही प्यारे ढंग से बच्चों के बीच रखी हैं, और इस तरह की बातें सुनने का कभी कभी ही मौका मिलता है, मैं ये कहूँगी। तो थैंक यू सो मच हमारे बीच नरेंद्र सर, जिनसे मेरी मुलाकात बहुत पुरानी मुझे याद आ गई, जब मैं आज उनसे बेटी बहन के घर गई थी, आकाशवाणी के लिए टीचर तैयार किया गया था, उसका अंग्रेजी जो ट्रांसलेशन था उसके लिए मैंने उनसे अनुरोध किया था। अशोक राही जी, जिनसे मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, हमने बहुत सारा काम एक साथ किया है, जो के लिए दूरदर्शन के लिए, और उसके अलावा जो ये नाटक लिखते हैं उनके दो तीन नाटकों में मुझे भी काम करने का मौका मिला, सो आई कंसिडर माई सेल्फ लकी। और उसके बाद जो भी काम होते हैं अक्सर अशोक जी कोशिश करते हैं कि मुझे उसमें जोड़े, और हाल ही अशोक जी ने जो रामलीला का महत्व प्रदर्शन किया है जवाहर कला केंद्र में, आप सब ने पढ़ा होगा उसके बारे में, और बहुत से लोग वहाँ देखने भी पहुँचे होंगे, तो बहुत अच्छा काम भी करते हैं और उसके साथ साथ लगातार कर रहे हैं और उसमें लोगों को जोड़े रहते हैं, तो दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। सैनी जी, आपसे भी मेरी मुलाकात रेडियो के थ्रू हुई, सो इट्स सो नाइस टू सी यू हियर। और किशन सर, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब विद द स्कूल, अमेजिंग। वेल, मैं रेडियो से हूँ इसलिए आवाज़ की दुनिया में यकीन रखती हूँ। आवाज़ जब आप रेडियो में सुनते हैं तो आप चेहरा नहीं देख पाते, और हर इंसान उस आवाज़ के जरिए एक चेहरे को क्रिएट करता है अपने दिमाग में, राइट? तो आवाज़ की बात मैं करना चाहूँगी आज, जो राष्ट्रीय महोत्सव के तहत यहाँ विषय है अनसंग हीरोज का, उस पर बाहर बहुत गंभीरता से सर कर चुके हैं लोकेश सर। हमारे भीतर जो भी ख्याल होते हैं, जो भी अल्फाज होते हैं, मुझे लगता है कि लेखन के जरिए तो हम उन्हें क्रिएट कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है बोलने का, और तीसरा तरीका होता है एक्ट करने का, जो नाटकों के थ्रू होता है। तो अगर आपके भीतर कुछ शब्द निकलते हैं, उमड़ते हैं, कोई भी बात है जो आपके भीतर है, अगर आप कह नहीं पा रहे हैं तो उसको लिख सकते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है अपने एहसासों को बाहर निकालने का। उसके अलावा दूसरा तरीका बोलने का, जो मैंने सीखा
बेसिकली मैं सिंगर रही, लेकिन हाँ रेडियो से जुड़ने के बाद एक आरजे बनी थी। आरजे आप सब समझते हैं, रेडियो जॉकी, राइट। सो बहुत से बच्चे यहाँ पर आरजे भी बनने की ख्वाहिश रखते होंगे, है ना? तो आवाज पर गौर फरमाना, अपने शब्दों पर गौर फरमाना या अपनी बात को किस तरह से कहना है, ये हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यकीन मानिए, जब आप किसी से कोई बात कह रहे हैं तो सामने वाला आपको उस बात के थ्रू असेस करता है, राइट? अभी लोकेश सर जब बोल रहे थे, आप उनके शब्दों को सुन रहे थे, इतना अर्थ उसमें था, लेकिन बहुत ही प्यारे ढंग से वो बात कही गई जो बच्चों तक भी पहुंच रही थी। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें बस पढ़ लेते हैं, है ना? लेकिन आज जब लोकेश जी ने वो चीज़ें आपको सुनाई अपने शब्दों के जरिए, तो आप उन्हें समझ पाए होंगे बहुत से बच्चे। हाँ या ना, अच्छा लगा ना? उस कविता का जिक्र हुआ, वो सब बातें हुई, जो गाने का जिक्र इन्होंने किया, तो ऐसी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं उनके जरिए शायद हम अपनी जो चीज़ है उसको अच्छे से समझ पाते हैं। आजकल पढ़ाने का तरीका बहुत बदल गया है, एक्सपेरिमेंटल हो गया है, और इसीलिए शायद हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि बच्चे जो भी सुन रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसे अपने अंदर उतार सके। तो जो भी बच्चे आरजे बनने का सपना देखते हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि आवाज़ को साधने की कोशिश करें, जो शब्द बोल रहे हैं उस पर ध्यान देने की कोशिश करें कि आप क्या बोल रहे हैं, राइट? क्योंकि वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को सबके सामने लाता है। आप जो सोचते हैं उन्हें खूबसूरत शब्दों में जब कहते हैं, आपका अंदाज़े बयां अगर प्यारा होता है, अच्छा होता है, सशक्त होता है, तो सामने वाले पर उसकी बात का, उस बात का असर होता है। आरजे के रूप में जब मैं काम करती हूँ तो यही लगता है कि बस अपने दिल की बात कह रही हूँ, किसी से सुनी हुई नहीं। मतलब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ी हुई चीज़ों को अपने तरीके से बयां कर रही हूँ, यही कमाल होता है शब्दों का और बोलने के अंदाज का। जब अंसा क्लीरोस की यहाँ बात हो रही थी तो मुझे एक कविता याद आ रही थी, नींद का पत्थर, जो मैंने स्कूल में पढ़ी थी। तो नींद का पत्थर नज़र नहीं आता, लेकिन पूरी जो एक बिल्डिंग है वो उस पर टिकी होती है, राइट? तो आप लोगों में से भी बहुत से लोग इस तरह से हो सकते हैं कि वो सोचे कि ठीक है हमारा नाम होना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने मन से काम कर रहे हैं, पूरे पैशन से काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए उस चीज़ को कभी ना कभी ज़रूर पहचाना जाता है। तो जो भी मन में ख्याल आता है, जो भी आप करना चाहते हैं, उसको करते रहिए। शिद्दत से कुछ करेंगे तो ज़रूर उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत खूबसूरत निकलेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने महसूस किया है कि अपनी ज़िंदगी में, वो यही पाया है कि लगातार अगर किसी चीज़ पर मैं काम करती चली गई तो मुझे उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिला है। तो चूँकि बच्चे हैं इसलिए मैं उन्हीं की भाषा में उन्हें समझाना चाह रही हूँ कि जो भी आपका मन करता है ज़रूर कीजिए, और आपके दिल के जो ख्याल हैं कोशिश कीजिए, चाहे आप उनके उनको चार लाइनों में ही लिख पाए, लिखने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद उसे बोलने की कोशिश कीजिए। जितना आप एक्सप्रेस करेंगे उतना सबके सामने अपने जो भी आप फील करते हैं उसको कह पाएंगे, सुना पाएंगे। तो आवाज़ की दुनिया से ज़रूर जुड़िए, शब्दों से जुड़िए, उनके अर्थ को पहचानने की कोशिश कीजिए, और दिल में जो भी बात है उसको सामने लाने की कोशिश कीजिए। कई बार हम मम्मी पापा से भी कुछ कहने में घबरा जाते हैं ना, डर जाते हैं ना, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है देखा बहुत बोल्ड है, उनके अंदर जो भी होता है सब कह देते हैं। तो सारी बातों को शेयर कीजिए, शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आप सभी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स गॉड से मांगती हूँ, और आपके जो भी सपने हैं वो सच हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू सो मच। सुषमा जी ने आप बच्चों से बात की, और मैं तो ये भी कहूँगा कि कभी आपको रेडियो के ऊपर या इस तरह का कुछ और भी जानना हो तो सुषमा जी अवेलेबल हैं। किशन जी से निवेदन करूँगा कि कभी स्पेशली वो सुषमा जी को अपने बच्चों के बीच में बुला सकती हैं। इस मामले में सुषमा जी कभी मना नहीं करती। क्यों सब दोस्तों? नहीं, जबरन नहीं है, क्योंकि मैं तो अक्सर जब वर्कशॉप करता हूँ तो सुषमा जी को बुलाता रहता हूँ मैं अपने साथियों के बीच में। दोस्तों, अब मैं पुरुषोत्तम जी
ने विशेष रूप से, जो हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, इन्होंने विशेष रूप से कहा कि मैं कल बच्चों से बात कर सकूँ और इसके बाद में हमारे कुछ साथी आपके सामने गीत संगीत भी प्रस्तुत करेंगे। कुछ नज़ीर अकबराबादी के गीत पर बहुत मीठे गीत इन्होंने तैयार किए हैं जो इस कार्यक्रम के तुरंत बाद ही शुरू होंगे। अब मैं माननीय प्रोफेसर नरेंद्र शर्मा कुसुम साहब से निवेदन करूँगा कि वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दें। आज के जो खूबसूरत कार्यक्रम सूत्रधार अशोक जी और मेरे साथ बैठे हुए हमारे परम आदमी हैं जोगेश जी, उषमा जी, पुरुषोत्तम जी और इस संस्था के प्रधान किशन मित्तल प्रधानाचार्य भावे, और अच्छा लग रहा है कि जब गोकुल जी बोल रहे थे और सुषमा जी बोल रही थी कुछ बातें, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जिसमें कि जो अगर मैं अभी बात आपसे करूंगा, मुझे नहीं कि नहीं लग रहा है कि जिन कमियों के नाम पर मैं उल्लेख करूंगा उनमें से मैं समझता हूं कि शायद बच्चों को तो आप छोड़ें जो यहाँ बैठे हुए हैं, शायद उन्होंने उनका नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि उनका दोष नहीं है, क्योंकि उन कमियों को नहीं पढ़ाया जाता और वो समझता लगता है कि कौन से कवि थे जिनके बारे में बात होगी। एक नाम आपने सुना होगा रामधारी सिंह दिनकर, बहुत बड़े कवि हुए हैं और आप जानते हैं कि वो राष्ट्रकवि के रूप में भी पहचाने जाते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा कलम उनकी जय हो, कलम के मतलब यह है कि लेखकों की जय बोल, अब जरा अस्थियाँ बारी बारी चढ़े पूर्ण वेदी पर बिना लिए गर्दन का बोल, कलम की जय बोल। ये उन्होंने उन कवियों के लिए, उन लेखकों के लिए कहा जिन्होंने कि अपना जीवन अपने लेखन से लोगों को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। बहुत से नाम हैं, मैंने जैसे अभी कहा तो नामों को संभवतः आपने पढ़ा हो या ना, लोगों को मैंने कैसा मैं संबोधित इसलिए कर रहा हूँ कि हम ये जान लें कि ये लड़ाई, ये जो हमारा संघर्ष था वो संघर्ष प्रचंड रूप से समझ लीजिए, यानी छिपे हुए रूप से समझ लीजिए, हमारे साहित्यकारों ने, लेखकों ने किया। आपको याद दिलाता हूँ कि हिंदी में, विशेष रूप से उर्दू में भी रहे लेकिन हिंदी में अगर शुरुआत हो रही है कवियों के लेखकों की, तो हमारे हिंदी के पिता हमें हैं भारतचंद्र हरिश्चंद्र का नाम आपने अवश्य सुना होगा। भारतचंद्र हरिश्चंद्र ने हमारी आज़ादी की, हमारी स्वतंत्रता की अलग लड़ाई, उसके बाद में जो कुछ भी आपने देखा लिखते चले गए, कैसा सम्मान हो गया। मैथिली क्षणगुप्त का नाम जिसको राष्ट्रकवि कहा जाता है, आपको याद होगा कि उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में एक ऐसी बात कह दी जो हमें सोचने को मजबूर करती है और उस जमाने में भी लोगों को ये लगता होगा कि हाँ बात तो ठीक है। उन्होंने कहा कि मनुष्य कौन है, कि हमको कहना चाहिए कि मनुष्य कौन है, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो करो, मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करें सभी, और ही ने जो स्मृति तो वृथा किए वृथा करे, मरा नहीं वही कि जो जीवन आपके लिए, और यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए और आप मान के चले हमारी आज़ादी के संघर्ष में उन कवियों ने प्रभाव किए बिना ये देखिए दिखाया कि हम कुछ कर रहे हैं और बहुत प्रोत्साहित थे। उन्हीं की बात मैं सुना रहा हूँ। मैथिली क्षण जी ने बहुत पहले 1912 में, आप बताइए कितनी पुरानी बात हो गई, भारत भारती नाम की एक पुस्तक लिखी और उसके पहले एक और खंड काव्य लिखा जयद्रथ वध,
जयद्रथ का नाम आपने महाभारत में सुना होगा, जयद्रथ वज्र, जयद्रथ। उन्होंने देखिए किस तरह से अपने बात कह दी थी, अपने ही कविता के माध्यम से कह दी उन्होंने कि अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये देखिए ये सब कवि कह रहे हैं, इसका प्रभाव तो आपको पड़ता ही होगा। आप देखिए सोहनलाल द्विवेदी वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, अर्चना के इन कणों में एक कण मेरा मिला लो, वंदना के इन कणों में। सोहनलाल द्विवेदी, श्यामनंद पांडे हल्दी घाटी, राम नरेश त्रिपाठी, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है दांत हाथ कर वो भी अपनी मातृभूमि कर कर देता है प्राण निछावर, राम नरेश त्रिपाठी। मैं इसलिए सब बात आपको कह रहा हूँ कि ये नाम जो आप सुन रहे हैं अगर आपको ऐसा लगे और आपके पाठ्यक्रम में ना हो, लेकिन मैं यहाँ पर बैठे हुए बच्चों से जब वो बड़े हो जाए और आप जो पीछे बैठे हुए हैं वो भी जरा देखें कि हमारे आज़ादी के संग्राम में इन कवियों का, लेखकों का कैसा योगदान था। सारे जहाँ से आपने तो बार बार पढ़ा होगा हिंदुस्तान के बारे में गुरुद्वार उर्दू के, तो ये बात इतनी जरूरी मैं कह रहा हूँ कि ऐसे मौके पर ये विषय कुछ ऐसा रखा गया है याद करने का जिनको हम भूल गए हैं, विस्मृत हो गए हैं हमारे सामने, तो ये विषय ऐसा है जिस पर कि सुनने वाले भी थोड़ा सा इस बारे में ज्ञान रखते होंगे तब तो ये बात कहने में ठीक रहता है, अन्यथा छोटे बच्चे भी कभी नाम नहीं सुना तो उनके पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम निर्माण समितियां ऐसी हो गई हैं जो कि उन निर्माण समितियों के व्यक्ति भी इन बारे में साहित्य के बारे में बताते ही नहीं हैं, ना तो कोई कवियों को किसी तरह से निर्धारित करते हैं ना लेखकों को निर्धारित करते हैं, तो ये जब जब बात की जाती है तो आपको लगता है ये कौन से अजीब थे, ये कौन थे सोहनलाल द्विवेदी, कौन थे रामनरेश त्रिपाठी, कौन थे आपके ये वैशिखंड गुप्त, कौन थे बालचंद्र हरि नवीन, कौन थे निराला, कौन थे महादेव वर्मा, कौन थी सुमित्रनंद, कौन थे, आप कहते हैं कि साहब ये कौन था, आपने सुना नहीं। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण इसलिए है कि हमारी शिक्षा प्रणाली इस समय केवल उधरम भरी शिक्षा, पेट भरने वाली शिक्षा, जरूरी है पेट भरें, मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, आदमी केवल रोटी से जिंदा नहीं रहे, ही नीड्स समथिंग मोर, उसको और भी चाहिए, और वो क्या चीज चाहिए, उसे चाहिए साहित्य, चाहिए संगीत, चाहिए कला, चाहिए पूरा मंच बनेगा। इसलिए ये जो हमने एक टेररिज्म को मान लिया है, मैं मानता हूँ ठीक है टेररिज्म है, होना चाहिए, इंजीनियर बने सब बने, लेकिन ये अधूरी शिक्षा है। विवेकानंद का कहना है कि शिक्षा मानव निर्मात्र, मैन मेकिंग एजुकेशन होनी चाहिए, और वो नहीं है, बार बार नई नई नीतियाँ आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि विकास रुक सा गया है, क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को, प्रारंभ से ही क्यों नहीं पढ़ाते, बड़े बड़े ग्रंथ मत पढ़ाइए, छोटे छोटे ग्रंथ आइए, ऐसे कविताएं लिखी हैं, मैंने लीजिए सोहनलाल द्विवेदी के नाम मैंने लिया, उन्होंने बाल कविताएं लिखी हैं, बाल सखा नाम के पत्रिका के वो संपादक थे सोहनलाल द्विवेदी, पढ़ाइए उनको, आपको लगेगा तो आखिर क्या है हमारे देश में। लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी शिकायत है उन पाठ्यक्रम समितियों के सदस्यों से जो पता नहीं क्या है, किस तरह से उनको, तो आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि उसी तरह से हो, शिक्षा के संचालक, शिक्षा के चलाने वाले सूत्रधार इस बात पर ध्यान दें और ऐसी चीज़ों पर दें जिससे कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो बात को समझे जाए। तो इसलिए जो मैंने अभी आपको बताया, आप में से मैं ये नहीं कहता कि आप अल्पज्ञ हैं या कुछ भी नहीं जानते, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ऐसा मौका ही नहीं मिला, आप जो पीछे बैठे हो वो बहुत की दूसरी तीसरी पीढ़ी के भी हैं, ये तो हैं बहुत छोटी पीढ़ी के, तो कैसे याद करेंगे आप उन चीज़ों को, कैसे पता लगेंगे जब तक पढ़ाया नहीं जाएगा। तो मानव निर्मातृ, और आप ये कहेंगे सब कविता और लेखन से होता क्या है, भाई होता तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको कोई बताए तो होता क्या है,
आपके भीतर एहसास क्या कौन जगाता है, संवेदना कौन जगाता है? ये आपको विज्ञान आपके भीतर संवेदना नहीं जगाती, कंप्यूटर आपके सामने संवेदना नहीं जगाती, कुछ भी नहीं जगाती है साहब। कुछ भी कर लीजिए आप, इंजीनियर बन जाइए, बीटेक कर लीजिए, एमटेक कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन जब तक आप कविता कहानी यानी जितनी विधाएं हैं उन विधाओं के बारे में थोड़ा जानने जरूरी। आप कहेंगे साहब हमें टाइम ही नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता तो रहिए अधूरे, रहिए अधूरे। आपका राष्ट्र प्रेम कैसे जगेगा, आपको नया मार्ग कैसे दिखाई देगा, आप क्या करेंगे? तो इसलिए इस अवसर पर मैं बार बार अध्यापक रह चुका हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि अध्यापक का कर्तव्य मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे द्वारा शिक्षित प्रशिक्षित बच्चे अधूरे न रह जाए, उनके भीतर की प्रतिभा भी आए। बहुत से बच्चे कविता भी लिख लेते हैं और भी लिख लेते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे अवसरों पर मुझे ये बड़ी परेशानी हो रही थी कि मैं जहाँ पर कुछ गोष्ठियों में बोलता रहता हूँ तो मुझे लगा कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि अगर मैं रिसीव नहीं किया जाता तो मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा हूँ, तो वो जरा ऐसा लगता है कि मैं इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ कि मैं क्या क्या बात की, कोई बहुत बड़ा शास्त्रीय बात तो कह नहीं सकता। हाँ, इतना ही जरूर कह सकता हूँ कि जो कही जा रही है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे कवियों का, लेखकों का, शायरों का क्या योगदान रहा, इस पर जैसे लोकेश जी ने बहुत बढ़िया, सुषमा जी ने बहुत बढ़िया ढंग से कहा, बहुत ही बोला जा सकता है, इसको काफ़ी है। लेकिन इस अवसर पर हम उन्हें याद करें, उन भूले बिसरे लेखकों को, कवियों को, शायरों को याद करें, उनके प्रति नमन करें और देखें कि देखिए ये आज़ादी हमको जो मिली है, ये आज़ादी हमको वैसे ही नहीं मिली, आज़ादी बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मिली आज, हमारे बहुत लंबे अंधेरे के बाद में हमने आज़ादी का सवेरा देखा, और आज़ादी का सवेरा हमने देखा, हमने बड़े स्वप्न, हमारे ख्वाब थे, लेकिन अगर तूफान डुबो देता तो कोई गम नहीं होता, अगर तूफान डुबो देता तो कोई गम नहीं होता, किनारे आके डूबा हूँ, किनारे बेवफा निकले, किनारे बेवफा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय साहिल साहब का, डॉक्टर साहब का, सुषमा जी का और सहरी साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और दोस्तों, अब मैं अपने साथियों से निवेदन करता हूँ कि वो आए और आप सब लोगों को यहाँ पर कुछ बहुत मधुर गीत, जो जीवन से जुड़े हुए गीत हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। Thank you.
के लिखे नजीर साहब ने एक गीत तैयार किया था, ये हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ऐसे ही को अमीर के दिल में ख्याल है, ऐसे ही को अमीर के दिल में ख्याल है, ऐसे ही को फकीर भी करता सवाल है, ऐसे ही को फकीर भी करता सवाल है, ऐसे का पैसा ही फौज पैसा ही जाहो जलाल है, पैसा ही फौज पैसा ही जाहो जलाल है, पैसे ही का तमाम ये दंगो दबाल है, पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है, पैसा ना हो तो आदमी चरखे की माल है, ओ पैसा पैसे के ढेर होने से सब सेठ साठ है, पैसे के ढेर होने से सब सेठ साठ है, पैसे के जोर शोर है पैसे के खाट है, पैसे के जोर शोर है पैसे के खाट है, पैसे के कोटि कोटियां सात आठ है, वो पैसे के कोटि कोटियां छह सात आठ है, ओ पैसा ना हो तो पैसे के फिर साठ साठ है, पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है, पैसा ना हो तो आदमी करके की माल है, पैसा ओ पैसा ओ पैसा ओ पैसा ओ पैसा, पैसा जो हो तो देव की गर्दन को बांधना, पैसा जो हो तो देव की गर्दन को बांधना, पैसा ना हो तो मकड़ी के जाले से खौफ था, पैसा ना हो तो मकड़ी के जाले से खौफ था, पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है, पैसा ना हो तो आदमी चरखे की माल है, पैसा ओ पैसा ओ पैसा ओ पैसा ओ पैसा, एक बार सिपर उठाते हैं पैसे की चाट पर, ये मेहरबान ने बनाए
आएंगे। वो हंस के बोला बाबा बुला तुझको खैर दे, वो हंस के बोला बाबा बुला तुझको खैर दे। हम तो न चांद समझे न सूरज को जानते, हम तो न चांद समझे न सूरज को जानते। बाबा हमें तो ये नजर आती रोटियां, बाबा हमें तो ये नजर आती बाबा हमें तो ये नजर आती है रोटियां, बाबा हमें तो ये नजर आती है रोटियां। रोटी न पेट में हो तो कुछ भी जतन ना हो, रोटी न पेट में हो तो कुछ भी जतन ना हो। मेले की शहर बारिश बाबो चमन ना हो, मेले की शहर बारिश बाबो चमन ना हो। मुझे गरीब दिल की खुदा से लगन ना हो, मुझे गरीब दिल की खुदा से लगन ना हो। सच है कहा किसी ने के भूखे भजन ना हो, सच है कहा किसी ने के भूखे भजन ना हो। अल्लाह की याद दिलाती है रोटियां, बाबा हमें तो ये नजर आती 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 है रोटियां। रोटी के वास्ते कपड़े किसी के लाल है रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल है रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल है रोटी के वास्ते। आधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते, आधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते। सब कष्ट और कमाल है रोटी के वास्ते, सब कष्ट और कमाल है रोटी के वास्ते। कितने रूप सभी दिखाती है रोटियां, बाबा हमें तो ये नजर आती 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 है रोटियां। और जनाब आदमी का जब पेट भर जाता है तब क्या होता है? जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, भूले नहीं बदन में समाती है रोटियां, भूले नहीं बदन में समाती है रोटियां। आंखें मरीज को से लड़ाती है रोटियां, आंखें मरीज को से लड़ाती है रोटियां, सीने पर भी हाथ चलाती है रोटियां, सीने पर भी हाथ चलाती है रोटियां। कितने हैं बदन दिखाती है रोटियां, बाबा हमें तो ये नजर आती 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 है रोटियां। बारे में लिखा है आदमी प्रधानमंत्री भी हो सकता है, चपरासी भी हो सकता है, लेकिन अंत में हम सब आदमी हैं, हम में से कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब एक ही हैं। तो एक एकता के ऊपर नजीर ने गीत लिखा है, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुखली सो गदा है सो है वो भी आदमी। आदमी और मुखलिस सौगंधा है सो है वो भी आदमी।
आदमी में बनाई है या मिया, बनते हैं आदमी इमाम और खुद बाखबा, बनते हैं आदमी इमाम और खुद बाखबा, बनते हैं आदमी कुरान और नमाजिया, बनते हैं आदमी कुरान और नमाजिया, और आदमी खुद की चुराते हैं झूठिया, और आदमी उनकी चुराते हैं झूठिया, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस और गदा है सो है वो भी आदमी, आदमी आदमी आदमी, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस और गदा है सो है वो भी आदमी, आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेज को वारे है आदमी, और आदमी पे तेज को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ा आए सो है वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह सो है वो भी आदमी, और मुफलिस गदा है सो है वो भी आदमी, आदमी आदमी आदमी, दुनिया में बादशाह सो है वो भी आदमी, और मुफलिस गदा है सो है वो भी आदमी, मरने पे आदमी कफन करते हैं तैयार, मरने पे आदमी कफन करते हैं तैयार, महिला गुलाब उठाते हैं कांधे पे कर सवार, महिला गुलाब उठाते हैं कांधे पे कर सवार, कलमा भी पढ़ते जाते हैं रोते हैं जार जार, कलमा भी पढ़ते जाते हैं रोते हैं जार जार, सब आदमी करते हैं मुर्दे का कारोबार, सब आदमी करते हैं मुर्दे का कारोबार, और वो जो मर गया है सो है वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस गदा है सो है वो भी आदमी, आदमी लेके नहीं आए जानबूझ के, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आप ही की स्कूल से कुछ भी चीज उठाएं और उसको इंस्ट्रूमेंट में बदल दें, ताकि आपको ये संदेश मिले कि आप जो भी बेंच है, जो भी आप संगीत से जुड़ी है, सारे बच्चे जो भी बेंच है बक्सा है, आप उसे बजाइए बिंदास जब भी आपका मन करे, मतलब टीचर मना करे तब नहीं, जब भी आपका मन करे तो आप मतलब कुछ भी चीज, दीवार है ये टेबल है, कुछ भी चीज जो आपको मिले आप उसे बजाइए और आनंद लीजिए। तो हम आपके सामने एक बक्सा बजाएंगे जो कि आप ही की स्कूल का है, तो तालियां। Thank you.
हमारी ही धुन है, तो प्लीज ध्यान से सुनना और जैसे अभी आप साथ दे रहे थे वैसे ही साथ दें। जिन्होंने
से यहाँ पर इसका नाम लिया और आज का यह कार्यक्रम